नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज। राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने कमर कसते हुए अपने चुनावी रैलियां शुरू कर दी। उसी के चलते राजस्थान में बीजेपी की 2 सितंबर से परिवर्तन संकल्प यात्रा चल रही है, जिसने रविवार को सिरोही जिले में प्रवेश किया। सिरोही के तीनों विधानसभा पर जाने वाली रैली रेवदर से आबू रोड आई और आबू रोड से स्वरूपगंज में परिवर्तन रैली की सभा आयोजित की गई। सभा में विधानसभा से भारी संख्या में भीड़ उमड़ी और सभी ने एक साथ राजस्थान में परिवर्तन का नारा लगाया। कार्यक्रम स्वरूपगंज चौराहा पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुष्पा जैन, जगवीर छाबा, विधानसभा प्रभारी भंवर सिंह, प्रभारी मदन राठौड़, जिला अध्यक्ष सुरेश कोठारी, सांसद देवजी पटेल, जिला प्रमुख अर्जुन पुरोहित, विधायक समाराम गरासिया, जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग, ओटाराम देवासी, प्रदेश मंत्री सांवलाराम देवासी, तीर्थगिरी महाराज, कोऑर्डिनेटर स्वरूप सिंह राठौड़, लुम्बाराम चौधरी, जिला महामंत्री योगेश गोयल, दुर्गाराम गरासिया आदि लोग मौजूद रहे। सर्वप्रथम सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया। उसके बाद सभी पदाधिकारियों का आबू पिंडवाड़ा विधानसभा के सभी मंडलों द्वारा माला और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में पारंपरिक नृत्य और नन्हे मुन्हे बच्चों ने राम लक्ष्मण और सबरी रूप धारण कर झांकी दिखाई। उसके बाद सभी वक्ताओं ने एक एक करके परिवर्तन के बारे में बताया और सभी ने प्रदेश की सरकार को परिवर्तन करने का संकल्प लिया। सभा बाद रैली पिंडवाड़ा के लिए रवाना हुई। देवनगरी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।